हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9। अध्याय 9 है लिंग एवं वचन। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रिंग व पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम, एक वचन बहुवचन शब्द, सदा एक वचन, सदा बहुवचन शब्द। चलिए शुरू करते हैं। पहला, हिंदी भाषा में दिनों एवं महीनों के नाम सदा होते हैं। तो हिंदी भाषा में दिनों और महीनों के नाम होते हैं, क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खा, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों में से वह शब्द छांटिए जिस शब्द का लिंग अन्य शब्दों से अलग है। तो देखिए, पिताजी, पंखा और शेर, ये सब क्या है? आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। लेकिन जो बहन है ये आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 3, नदियों के नाम प्रायः होते हैं। तो नदियों के नाम प्रायः क्या होते हैं? तो ये आपके होते हैं स्त्रीलिंग। तो इसका आंसर है खा, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के अधिकतर इकारांत शब्द होते हैं। तो इकारांत शब्द होते हैं वह आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। इकारांत का मतलब क्या होता है? जिनके शब्द के लास्ट में बड़ी की मात्रा लगी हो, जैसे कि बिल्ली। ठीक है, तो बिल्ली पर देखिए बड़ी की मात्रा लगी है, इसी को हम इकारांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्मों से सही युग्म का चयन करिए। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा है? तो विद्वान का क्या होता है? विदुषी। तो विद्वान क्या है? आपका पुल्लिंग है, और विदुषी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 6, केवल को छोड़कर सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो किसको छोड़ के? जो चांदी है, चांदी को छोड़ के बाकी सभी नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और जो चांदी है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। सोना, लोहा, पीतल, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग है। अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धिमान दरबारी को राज दरबार में मंत्री का पद दिया गया। तो क्या था इसमें? बुद्धिमती। क्या था? बुद्धिमती। तो बुद्धिमान का क्या होगा? बुद्धिमती। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अध्यापक शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो अध्यापक का बहुवचन कौन सा है? तो ये है आपका अध्यापकगण, ऑप्शन नंबर का 9 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से क्या है? खिड़की। कैसे आप जाने? देखिए, इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इकारांत होता है। ठीक है, इकारांत, ये बड़ी की मात्रा लगी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक वचन से बहुवचन बनाने में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है ये। ठीक है, आकारांत का मतलब क्या होता है? जैसे बालिका, बालिका। ठीक है ना, तो बालिका का क्या हो गया? आपारा की मात्रा आ रहा है ना लास्ट में, तो यही होता है आकारांत। और आकारांत को जब हम बहुवचन बनाते हैं तो इसका क्या बनेगा? बालिकाएँ, बालिकाएँ। क्या बनेगा? बालिकाएँ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके क्या है? 11 नंबर, ठाकुर ने अपनी के लिए हार खरीदा। तो उचित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा? तो ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुराइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुराइन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, नर पक्षी ने पक्षी की जान बचाई। तो नर का यहाँ पे विपरीत लिंग आपको बताना है। तो नर का क्या होता है? तो नर का होता है आपका मादा। अगला है 13 नंबर सवाल, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों का रूप क्या कहलाता है? तो जो एक और एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं वचन। क्या कहते हैं? वचन, ऑप्शन नंबर घ। आँख का बहुवचन क्या है? तो आँख का बहुवचन है आँखें। क्या होता है? आँखें, ऑप्शन नंबर घ, आँखें। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 15 क्या है, लड़की ने सुंदर माला खरीदी। तो सुंदर माला खरीदी, तो इसका बहुवचन क्या होगा? लड़कियों ने सुंदर मालाएं खरीदी। तो इसका आंसर होगा का। 16 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सदा एक वचन में प्रयोग होता है? तो सदा एक वचन में जो प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सोना। बाकी हस्ताक्षर, प्राण और दर्शन, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। देखिए, यही सवाल भी आ गया है, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग आदि शब्द सदा में प्रयोग होते हैं।
तो ये होते हैं आपके बहुवचन में, तो इसका आंसर होगा खा, बहुवचन। 18 नंबर, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो एक वचन कौन सा नहीं है इसमें, तो जो होश शब्द है वो एक वचन नहीं है। बाकी भीड़, दूध और मूली, ये सब क्या हैं आपके, एक वचन हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो देखिए नहीं वाले को ध्यान में देंगे तो दर्शन भी बहुवचन में आपका आता है। देखिए मक्खियाँ और दरवाजे भी आपके बहुवचन हैं, लेकिन जो लड़की है ये आपका बहुवचन नहीं है। 20 नंबर, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो यहाँ पे जो लोग हैं, लोग यहाँ पे एक वचन नहीं है, ये क्या है आपका, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। प्रश्न संख्या 21, जिन शब्दों के अंत में आ, त्वा, आ, आओ, पा और पन आदि प्रत्यय, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। इसका आंसर हो जाएगा गा, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 22, इकारांत और उकारांत संज्ञाएं होती हैं, तो इकारांत और उकारांत संज्ञाएं क्या होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग। अभी देखा ना आपने, ई की मात्रा आती है, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं कि स्त्रीलिंग होते हैं। उकारांत मतलब छोटी की मात्रा आती है, छोटा उ की मात्रा आती है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? तो सदा बहुवचन में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बाल, पैर और, तो जो बाल शब्द है ये यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि शब्द सदा प्रयोग होते हैं। तो बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश और जनता, ये सब किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये हैं एक वचन शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा का, एक वचन। 25 में, निम्नलिखित तथ्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। या प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, बिल्कुल ठीक है। पर्वतों और समुद्र के नाम पुल्लिंग होते हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ शब्द सदा नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ नित्य सदा स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये भी आपका ठीक है। तो इसमें तीनों विकल्प सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा घा, आ, भाषा, तीनों सही हैं। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं, कुछ पे करना चाहते हैं, तो मेरे QR कोड पे आप पे कर सकते हैं। यह है मेरा QR कोड, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।